सो हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल हरि दर्शन विद बिलजीत। और आज मैं आप देख ही सकते हैं कि इस्कॉन टेंपल आया हूं, जो कि नेहरू प्लेस में स्थित है। दिल्ली का बहुत ही प्रसिद्ध और बहुत ही बड़ा टेंपल है। बहुत बड़े बड़े टेंपलों में इसको माना जाता है और बहुत ही फेमस टेंपल है। इस्कॉन टेंपल के बारे में तो आप जानते होंगे। यहाँ से आप देख सकते हैं, अभी हम अंदर आ गए। यहाँ से आप जब एंटर करेंगे तो सामने ही ज्योति घर है। और ये देख सकते हैं, जब आप यहाँ चाहते हो रास्ते में ही एक स्वीट शॉप है, बहुत ही अच्छे लग रही थी। मैंने भी स्वीट का टेस्ट किया, यहाँ पे बहुत अच्छा लगा। और यहाँ से ये हमारा शुरू होता है टेंपल। सो इस्कॉन टेंपल के बारे में तो शायद आप लोग जानते ही होंगे। इस्कॉन टेंपल पूरी दुनिया में अलग अलग जगह पर फैला हुआ है, जिन्हें अपना नाम द इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियस से मिला है। यह एक एक आध्यात्मिक संस्था है, जिसकी स्थापना 96 में न्यूयॉर्क में अभय चरणार विद भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुवार द्वारा की गई थी। इस मंदिर की सभी मान्यता 5000 साल पुराने हिंदू धर्म ग्रंथ भगवान गीता पर आधारित है। इस्कॉन भक्त श्री कृष्ण को भगवान के सभी अवतारों के स्रोत के रूप में मानते हैं। दुनिया भर में सभी इस्कॉन मंदिर का निर्माण भक्ति योग के अभ्यास को फैलाने के लिए किया गया था। दिल्ली का इस्कॉन मंदिर का वास्तविक नाम श्री श्री श्रद्धा पाद सारथी मंदिर है। इसका निर्माण संगठन के तहत वर्ष 1995 में वैदिक संस्कृति का ज्ञान फैलाने के लिए किया गया था। और यहाँ से देख सकते हैं, हम अंदर आ गए हैं टेंपल के। आपको दिखाऊंगा टेंपल कितनी खूबसूरती से इस टेंपल को बनाया गया है। ये देखिए, यहाँ से यहीं पे साथ ही में अभी प्रभुपाद जी की मैं आपको एक बहुत सारी विराजमान है एक पंक्ति। ये देखिए प्रभुपाद जी कितनी खूबसूरती से इसको डिजाइन किया गया, दिखाया गया है प्रभुपाद जी को। और यहीं पे सामने कीर्तन चल रहा था, ये देख सकते हैं बहुत प्यारा कीर्तन चल रहा था। हरे कृष्णा का, हरे कृष्णा जाप हमेशा चलता रहता है यहाँ पे जब आप आएंगे। ये देखिए यहाँ से, ये है श्री लक्ष्मी नरसिम्हा। देखिए कितने अच्छे तरह से दिखाया गया और कितने खूबसूरती से इसको टेम्पल को मेंटेन किया गया है। यहाँ बहुत अच्छा खासा क्राउड रहता है, आप जब भी आएंगे बहुत अच्छा लगेगा आपको। हरे कृष्णा का जाप चलता रहता है, यहाँ की वाइब्रेशन बहुत ही कमाल की है। द वाइब्रेशन हेयर इज वेरी गुड, द चंटिंग ऑफ राधा कृष्णा गोज ऑन ऑल द टाइम। ये देख सकते हैं यहाँ से आप। इस्कॉन मंदिर जो कि भगवान मंदिर कृष्ण को समर्पित है, जैसे हरे कृष्ण का मंदिर के रूप में भी जाना जाता है। कृष्ण जी को समर्पित ये प्रसिद्ध मंदिर, जिसे हरे राम हरे कृष्णा मंदिर के रूप में भी जाना जाता है। यहाँ पे सामने देख सकते हैं कितनी खूबसूरती से कि चीजों को दिखाया गया है। और आपको बता दें कि मंदिर की स्थापना वर्ष 1988 अच्युत कनविंडे द्वारा की गई थी। और यह नई दिल्ली में कैलाश क्षेत्र के पूर्व हरे कृष्णा हिल्स में स्थित है। इस्कॉन मंदिर एक बहुत ही आकर्षक संरचना है, तो बाहर की तरफ से उत्कृष्ट स्टोन वर्क से बना हुआ है। और मंदिर के गर्भगृह में मूर्तियों को समृद्ध कपड़े और आभूषण से सजाया गया है, आप देख ही सकते हैं। और उन्हें यहाँ बहुत अच्छी तरह से रखा जाता है, बहुत अच्छे से मेंटेन किया जाता है। और आप देख ही पा रहे हो, ये है पिछला हिस्सा अंदर का जो मैं दिखाना चाह रहा हूँ आपको। देखिए यहाँ से। और आपको बता दें कि इस्कॉन मंदिर दिन भर में कई तरह की आरती की जाती है। यहाँ पे बता दें कि आरती में भाग लेने के लिए भक्तों से कोई भी शुल्क नहीं लिया जाता। यहाँ पे सुबह मंगल आरती होती है सुबह 4:30 बजे, जप मंत्र ध्यान सुबह 5:30 बजे होता है, दर्शन आरती होती है सुबह 7:15 बजे, गुरु पूजा 7:30 बजे होती है, श्री भागवतम प्रज्वलन 8:00 बजे, राम भोग आरती दोपहर 12:30 बजे, और उस्तापन आरती 4:15 बजे, संध्या आरती 7:00 बजे, भगवत गीता प्रज्वलन 8:00 बजे, और सायन आरती होती है 8:30 बजे। यह है एक पूरा एक लिस्ट। और यहाँ से मैं अभी बाहर आ गया हूँ टेंपल से। यहाँ से देख सकते हैं बहुत बड़ा टेंपल बनाया गया है, बहुत प्रसिद्ध टेंपल है यहाँ का। यहाँ से देख सकते हैं किस तरह से किस खूबसूरती से इन चीज़ों को दिखाया गया है, लीलाओं को कृष्ण जी की। यहाँ से मैं अभी बाहर आता हूँ। ये है ऑडिटोरियम, यहाँ से आप अगर आप कुछ खरीदना चाहते हैं कृष्ण जी से रिलेटेड, यहाँ से आप खरीद सकते हैं। यहाँ से देख सकते हैं, ये देखिए यहाँ से
और यहीं से मैं अपने वीडियो का एंड करते हुए यहाँ से अभी ये एग्जिट की ओर मैं जाते हुए यहीं से मैं अपने वीडियो का एंड करते हुए और मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं गाइस कि आपको मेरा वीडियो और ये टेंपल आपको कैसा लगा। मैंने पूरी कोशिश करी है पूरे कवर करने की पूरे टेंपल को। तो फिर मिलूंगा मैं एक नए वीडियो के साथ नई चरणी के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, हरे कृष्णा।